लेस इंडिजिनियस की आत्मनिर्भर भारत की एक बेहतरीन बानगी मेक इन इंडिया उद्घाटन प्रधानमंत्री बेंगलुरु क्रांतिवीर संगोळ्ळी रायण्ण ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಈಗ ಬಂದರು. ಈಗ ಅವರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. बेंगलुरु में देख रहे हैं वंदे भारत के इस सफर पर खुद प्रधानमंत्री इस वक्त ट्रेन में मौजूद हैं. दक्षिण भारत का 2 दिवसीय ये दौरा है और इसे कुछ देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. वंदे भारत एक्सप्रेस जब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, तमाम जो मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, मॉडर्न तकनीक आपको यहाँ पर मिलेगी. और सबसे अहम बात यह है कि सभी कुछ जो है वो मेक इन इंडिया के इस वक्तव्य को और मजबूत करता हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस, जहां तक हम गति की बात करते हैं, गतिशील, सुरक्षित और साथ ही साथ एक आपको वर्ल्ड क्लास जो यात्रा का एक्सपीरियंस होता है उसे आप तक मुहैया कराएगी. हालांकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन हम इसको मानते हैं और इसको डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग या तमाम जो इसके मॉडिफाइड वर्जन्स या और उन्नत तकनीक जो है वो भारत में ही निर्मित की गई है. तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं. आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और अभी कुछ देर में इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसी ट्रेन की सौगात मिलने वाली है बेंगलुरु वासियों को. देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, यह ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं, इसे हरी झंडी दिखाएंगे अभी कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. और इसके साथ ही कुछ देर में भारत गौरव काशी जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में सुगमता के लिहाज से काफ़ी अहम. और जब हम बात करते हैं कि एक एक्सपीरियंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को 5वीं ट्रेन दक्षिण भारत के लिए झंडी दिखाते हुए. वंदे भारत एक्सप्रेस देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. चेन्नई बेंगलुरु मैसूर की जो कनेक्टिविटी है आप देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद है. तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुई, और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं. तो वंदे भारत चल पड़ी है, देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव. और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल था, ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था. तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी. यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ. और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए, तो ख़ास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. तो IRCTC की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है. वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है. और वो बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होता है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन जो है जिसे सौंपा गया है बेंगलुरु की जनता को, वो सबसे अहम. तो वंदे भारत ट्रेन
देश की जो पहली थी वो 15 फरवरी को चलाई गई थी दिल्ली कानपुर वाराणसी के रूट पर, और ये पांचवी है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई है। और मेक इन इंडिया कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन जो था, मैंने आपको बताया कि चेन्नई के एम जी रामचंद्रन स्टेशन रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, इसका जो ट्रायल रन का वीडियो है उसे भी ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। तो ये ट्रेन जो है किस तरह से यात्रा के अनुभव को काफ़ी बेहतरीन बनाती है वो हमने बाकी जो ट्रेन्स चली उनमें देखा, और अब क्योंकि ये पांचवी है तो हम मान सकते हैं कि लगातार आत्मनिर्भरता के साथ मेक इन इंडिया के इस मिशन को और ज़्यादा मजबूत करती हुई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि अगले साल तक सरकार की ये योजना है कि 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है यानी कि वंदे भारत उससे जोड़ना है। तो उस लिहाज उस क्रम में उस चरणबद्ध तरीके से अपने कार्य को सरकार करती हुई प्रतिबद्धता के साथ, और वंदे भारत के बारे में जिस तरह से देख पा रहे हैं तस्वीरें आप अश्विनी वैष्णव बताते हुए, हमने कई बार देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस तरह ट्रेन में सफ़र करके जो तमाम वहाँ उसको बनाने वाले लोग हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं, जो उसमें यात्रा करते हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं। तो रेलवे बोर्ड सरकार इसी योजना पर कि भाई 75 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएंगी जोड़ा जाएगा एक राज्य से दूसरे राज्य को, इस पर तेज़ी से रेलवे बोर्ड काम कर रहा है, त्वरित कार्रवाई कर रहा है आप देख सकते हैं। और ये दूसरा कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, इसको भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि यहाँ से ये ट्रेन काशी के विभिन्न स्थानों का दर्शन का अनुभव लोगों को करवाएगी। तो उस लिहाज से भी आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटका वासियों के लिए कि कैसे भारत गौरव दर्शन के अंतर्गत इसे चलाया गया है, और ये वानगी है उस संस्कृति को उस सभ्यता को उस लोक संस्कृति को आपस में जोड़ते हुए कैसे सीधे दक्षिण से काशी तक का सफ़र भारत गौरव काशी दर्शन इस ट्रेन की वजह से, और इसे भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए। तो कैसे खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं अभी हमने बात की वंदे एक्सप्रेस को वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, और वहीं अब कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन किस तरह से भारत के गौरव को बढ़ाते हुए, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अनुभव को और चरितार्थ करेगी ये कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन जो सीधा आपको दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को, और ये हरी झंडी दिखाना इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक प्रगति के और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पथ पर चलती हुई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, जहां आप दक्षिण भारत से सीधे चलते हैं काशी की तरफ। तो दो दिन के दौरे पर हैं, दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री, और हरी झंडी दिखाते हुए कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को देखिए, दक्षिण भारत से सीधा आपको काशी के घाटों तक काशी के दर्शन और गौरव यात्रा पर एक उस अस्मरणीय अनुभव पर लेकर चलेगी ये ट्रेन, जिसका अंदाज़ा लगाना हम यहीं से सोच सकते हैं कि आपको तमाम वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जिस तरह से इसे तैयार किया गया है। तो आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटक वासियों के लिए, एक उन्हें चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई वो मिली, और दूसरा काशी दर्शन की अगर बात करें तो उस लिहाज से केसीआर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा, भारत गौरव काशी यात्रा यानी कि कैसे भारत के गौरव को प्रतिबिंबित करती हुई ये ट्रेन उसकी संस्कृति और उसकी मिट्टी की खुशबू से तमाम जो दक्षिणवासी हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तर दक्षिण इसीलिए कहा जाता है कि दूर है, उसकी दूरी को कम करते हुए मन के जो हम कैसे मन के भावों को एक साथ समेटते हुए इस भारत गौरव काशी ट्रेन में जो तमाम लोग वहाँ सवार हैं कहीं ना कहीं बहुत ही हम कह सकते हैं रोमांचक उत्साहित और एक हमेशा की तरह याद रखने का
पल उनके लिए होगा। भारत गौरव योजना, अब भारत गौरव योजना के तहत जो है इस ट्रेन को चलाया गया है ताकि भारत के उन तमाम जगहों पर जहां से संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है वो तमाम लोगों के जहन तक पहुंचे। और भारत गौरव जो ये हम कह सकते हैं ट्रेन है, कहीं ना कहीं ये इस बात का भी एहसास कराती है जब हम भारत के विभिन्न उन सांस्कृतिक केंद्रों का जिक्र करते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव, जिनसे हमारा लगाव, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत के भले ही अलग अलग राज्य रहे हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, मूल भावना एक ही है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस मूल भावना की अगर हम बात करें इसको चरितार्थ करती हुई ये ट्रेन। तो काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि IRCTC ने पहले भी चलाया है, काशी विश्वनाथ से जगन्नाथपुरी तक चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और ये प्रधानमंत्री जिन दोनों ट्रेन्स को हरी झंडी दिखा